दूसरा वाकया आप दोस्त के डूबने का है, जिसमें बहुत बड़े कारोबारी ग्रुप के मालिकान सवार थे और कई करोड़ रुपए लगाकर समंदर की तह में टाइटैनिक का मलबा देखने के शौक में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कुछ लोग रिस्क की तलाश में जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड कायम करने के लिए, ऐसे खतरनाक एडवेंचर करने के लिए। इस बारे में शरीयत क्या कहती है? हादसात में मरने वालों को शहीद कहा जाएगा, उनके लिए दुआए मगफरत की जाएगी, क्या होगा? देखो, जो हादसात में मर गए, जो ईमान पर मरे, उनके लिए तो दुआए मगफरत की जाएगी, अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। जिनकी मौत ईमान पर हुई है, जिनकी मौत ईमान पर नहीं हुई तो ज़िंदगी में तो दुआ की जा सकती है, मौत के बाद उनके लिए दुआ नहीं की जा सकती, वो मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते ही नहीं थे। बाकी देखें, ये जब ये अली सकपारा का वाकया हुआ ना, केटू की पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश की और जान से हाथ धो बैठे, तो उनके बेटे ने का बयान आया था कि मैं अपने वालिद के मिशन को पूरा करूंगा, मैं केटू की पहाड़ी सर्दियों में उबूर करूंगा। उस पर मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो भी इस मौके के लिए वो भी मुनासिब है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उस वक्त मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि अली सकपारा के बेटे तक कोई मेरा ये पैगाम पहुंचा सकता है तो पहुंचा दे, कि आपने जो ये कहा कि मैं अपने वालिद को के मिशन को पूरा करूंगा, मेरे वालिद का मिशन था केटू की पहाड़ी उबूर करना, तो मैं उस मिशन को पूरा करूंगा। आपके अल्फाज से ऐसा लगता है कि आप वालिद की चाहत को पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो देखें, अगर आपका आखिरत पर ईमान है, दो ही लोग होते हैं, कुछ लोगों का आखिरत पर ईमान होता है, कुछ का आखिरत पर ईमान नहीं होता। अगर आखिरत पर ईमान नहीं है बिलफर्ज, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अब्बा वालिद मोहतरम जब गए केटू की पहाड़ी उबूर करने के लिए, जान से हाथ धो बैठे, तो हमेशा के लिए उनकी लाइफ क्या हो गई? खत्म। अब आप अपनी जान को खतरे में डाल के वो काम करें ना करें, आपके वालिद की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं। क्योंकि जो एथियस लोग हैं, जो मजहब को नहीं मानते, वो क्या कहते हैं? इंसान कचरा है, कुछ दिन के लिए उसको हयात मिलती है डार्विन के नजरिए के नतीजे में, और उसके बाद वो दोबारा क्या हो जाता है? कचरा हो जाता है, तो खत्म। अब आप के अब्बा को तो इससे कोई फायदा होने वाला, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये काम किया है, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे आपके अब्बा को ना कोई खुशी हो रही है ना कोई गम हो रहा है? और अगर आपका आखिरत पर ईमान है तो जाहिर है वो मुसलमान ही का होता है ना, और तो किसी का नहीं होता आखिरत पर ईमान। अल्लाह रसूल को आप मानते हो, तीन मजाहिब हैं जो आखिरत को मानते हैं, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुस्लिम। बहुत सारी चीजें ईसाई, यहूदी और इस्लाम में कॉमन भी तो है ना, असल में तो तीनों ही सच्चे मजहब है ना, वो तो तहरीफ हुई है, लेकिन हम इस बात के पर ईमान रखते हैं कि मूसा अलैहि सलाम भी सच्चे नबी थे, ईसा इब्ने मरियम भी सच्चे नबी थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे नबी। तीनों की फॉलोवर्स जो हकीकी माना में फॉलो करेंगे वो जन्नती हैं, हकीकी माना में जो फॉलो करेगा इनको। तो तीनों मजाहिब का इस पर इजमा है कि आखिरत के बाद एक जिंदगी है, उसमें कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो अच्छा अमल करके जाते हैं, अच्छे से, वो अच्छा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा हो, जिससे अल्लाह खुश होता है, और उन लोगों का ठिकाना बुरा होता है जो बुरा अमल करके जाते हैं। ये यहूदी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं। तो अगर आप आखिरत को मानते हो तो अब आपके अब्बा को फायदा आपके अच्छे अमल और उनके लिए दुआ से तो हो सकता है, बेटे की नेकियां किसको पहुंचती हैं अगर बाप ने उसकी तरबियत की हो, वरना दुआ से तो पहुंच ही जाती हैं। भाई हदीस में आता है ना, एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, साहबिया ने पूछा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? आपने फरमाया हाँ, तो सदका एक नेकी है ना। तो उन साहबिया को पता था कि नबी ने बता दिया कि तुम अब जब किसी गरीब को खाना खिलाओगी तो इस सदके का सवाब कहाँ पहुंचेगा, अगर माँ के लिए खिला रही हो, कि इस ये नेकी किसको मिले, मेरी माँ को मिले, तो ये नेकी क्या होगी, मिलती है। किसी सहाबी ने ऐसा नहीं नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अगर मैं फलां पहाड़ी पे चढ़ जाऊं और एक रिकॉर्ड कायम कर लूं तो क्या मेरे वालिद को इससे फायदा होगा? किसी सहाबी ने ऐसा सवाल, बोलो, नहीं पूछा, क्योंकि सहाबा ये बात जानते थे कि ये अच्छा सवाल नहीं होगा, नबी को इस पर गुस्सा भी आ सकता है, गजब भी आ सकता है, एक फजूल सवाल होगा,
क्योंकि अल्लाह को इससे क्या क्या पहाड़ पे चढ़े या पहाड़ से उतरे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अल्लाह को इससे तो गरज है कि उसकी मखलूक को कोई भूखा हो खाना खिला दे तो उसका पेट भर जाए। अल खल्क अयालुल्लाह, हदीस में आता है ये मखलूक अल्लाह की अयाल है, गोया अल्लाह का खानदान है। जैसे कि आप किसी के बच्चे को खाना खिला दें तो बाप खुश होता है ना, तो मखलूक को खाना खिलाएंगे कौन खुश होगा? अल्लाह। हाँ ये एक अलग बात है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से कहते कि मखलूक को खाना खिलाओ तो मुशरिकीन कहते अल्लाह खुद ही क्यों नहीं खिला देता, अल्लाह उनको गरीब पैदा क्यों किया? फिर आई बात समझ में? ये एक बेहुदा सवाल है भाई, अल्लाह ने गरीब को पैदा किया ताकि मालदार की आजमाइश हो। इसमें हिकमतें हैं बहुत सारी, किसी को गरीब बनाया किसी को अमीर बनाया, ये हिकमतें फौत हो जाती है ना अगर अल्लाह सभी को खिला देता। लेकिन अल्लाह गरीब का पेट भरने से खुश होता है